नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया दूसरा और सबसे रोमांचक वनडे मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने 400 लाइक रखा है, तो वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच चल रही वनडे श्रृंखला के दूसरे और एक और रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर ने एक बार फिर से टॉस जीतकर भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। दोस्तों, इस दूसरे वनडे मुकाबले में भारतीय टीम में एक बड़ा बदलाव किया गया। चोटिल श्रेयस अय्यर की जगह ऋषभ पंत को इस दूसरे वनडे मुकाबले में भारतीय टीम का हिस्सा बनाया गया। उसके बाद भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग करने आए शिखर धवन और रोहित शर्मा भारतीय टीम को इस दूसरे वनडे मुकाबले में कोई बड़ी शुरुआत देने में पूरी तरह असफल दिखाई दिए। रोहित शर्मा और शिखर धवन की जोड़ी महज 9 रन बनाकर टूट गई और पारी के चौथी ओवर में शिखर धवन के रूप में भारतीय टीम को पहला झटका लगा। शिखर धवन केवल 17 गेंदों में 4 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन उसके बाद बल्लेबाजी करने आए भारतीय कप्तान एक गजब के फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। उन्होंने रोहित शर्मा के मिलकर भारतीय पारी को आगे बढ़ाया, लेकिन फिर रोहित शर्मा भी पारी के 9वें ओवर में आउट हो गए। रोहित शर्मा को सैम करन ने 25 रनों के निजी स्कोर पर आउट करा, लेकिन उसके बाद बल्लेबाजी करने आए लोकेश राहुल और कप्तान विराट कोहली के बीच एक महत्वपूर्ण 100 रनों की साझेदारी बन गई। इन दोनों ने पारी के 31वें ओवर तक भारतीय टीम का एक भी विकेट गिरने नहीं दिया, लेकिन बेहतरीन फॉर्म में और सेट दिख रहे कप्तान विराट कोहली को पारी के 32वें ओवर में आदिल रशीद ने जॉस बटलर के हाथों कैच आउट कराया। विराट कोहली 79 गेंदों में 66 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन फिर यहां से भारतीय टीम को एक तेज तरार पारी की आवश्यकता थी और यह काम करके दिखाया भारतीय टीम में मुकाबले के लिए शामिल किया गया ऋषभ पंत, जिन्होंने इस मुकाबले में 40 गेंदों में 77 रनों की एक धमाकेदार पारी खेली। उन्होंने राहुल के साथ मिलकर भारतीय टीम के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाई। इसी बीच राहुल ने भी अपना एक ऐतिहासिक शतक पूरा किया। बहुत समय से खराब फॉर्म से जूझ रहे लोकेश राहुल ने 114 गेंदों में 108 रनों की एक लाजवाब पारी खेली और अंत में हार्दिक पांड्या की 16 गेंदों में 35 रनों की एक लाजवाब पारी की बदौलत भारतीय टीम ने 336 रनों का एक विशाल लक्ष्य इंग्लैंड की टीम के आगे रखा। उसके बाद भारतीय टीम से मिले 337 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम की शुरुआत गजब की रही। इस पूरे सीरीज में बेहतरीन फॉर्म से गुजर रहे जॉनी बैरिस्टर और जेसन रॉय की जोड़ी ने इस दूसरे वनडे मुकाबले में भी इंग्लैंड की टीम के लिए 110 रनों की एक हैरतअंगेज साझेदारी बनाई। इन दोनों ने 16वें ओवर तक इंग्लैंड का एक भी विकेट गिरने नहीं दिया, लेकिन फिर पारी के 17वें ओवर में जेसन रॉय को रोहित शर्मा ने रन आउट कर दिया, लेकिन तब तक जेसन रॉय अपना अर्धशतक पूरा कर चुके थे। जेसन रॉय 52 गेंदों में 55 रन बनाकर आउट हुए। यहां से सभी को भारतीय गेंदबाजों से कमबैक की उम्मीद थी, लेकिन खराब कप्तानी और खराब गेंदबाजी के चलते भारतीय गेंदबाज इंग्लैंड के बल्लेबाजों को आउट करने में पूरी तरह नाकामयाब रहे। इंग्लैंड की तरफ से तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए बेन स्टोक तो इस मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों पर खासा गुस्सा दिखाई दिए। उन्होंने अपना यह गुस्सा अपने बल्लेबाजी में दिखाया और लगभग 200 की स्ट्राइक रेट से एक लाजवाब 99 रनों की पारी खेली, लेकिन तब तक बेन स्टोक इस मुकाबले में इंग्लैंड को अपने पाले में डाल चुके थे। वहीं उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे जॉनी बैरिस्टर भी गजब के फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। उन्होंने भी अपना ऐतिहासिक शतक इस दूसरे वनडे मुकाबले में पूरा कर लिया, लेकिन जब तक जॉनी बैरिस्टर और बेन स्टोक बल्लेबाजी कर रहे थे तब तक इंग्लैंड के बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों पर पूरी तरह हावी होते दिखाई दे रहे थे। लेकिन बेन स्टोक के आउट होने के तुरंत ही बाद दूसरे सेट बल्लेबाज जॉनी बैरिस्टर को प्रसिद्ध कृष्णा ने 37वें ओवर की पहली गेंद पर विराट कोहली के हाथों कैच आउट कराया। जॉनी बैरिस्टर 112 गेंदों में 124 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं उनके बाद बल्लेबाजी करने आए जॉस बटलर को भी प्रसिद्ध कृष्णा ने इसी ओवर की चौथी गेंद पर क्लीन बॉल करके भारतीय टीम को कहीं ना कहीं इस मुकाबले में वापसी कराई। लेकिन शुरुआत में ही बेन स्टोक और जॉनी बैरिस्टर की बल्लेबाजी ने इस मुकाबले को इंग्लैंड के कब्जे में करवा दिया था, जिसके चलते अंत में भारतीय गेंदबाजों की कड़ी मेहनत के बावजूद भी भारतीय टीम यह दूसरा वनडे मुकाबला नहीं बचा पाई और इंग्लैंड की टीम ने इस वनडे सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली। अब दोस्तों, इस वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला करो या मरो का रहने वाला है, जो 28 तारीख को खेला जाएगा। तो दोस्तों, आपके मुताबिक अभी से दूसरे वनडे मुकाबले में हार के बाद तीसरे वनडे मुकाबले में भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया जाना चाहिए, विराट कोहली, रोहित शर्मा या लोकेश राहुल को? आप अपनी राय नीचे कॉमेंट द्वारा हमें जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।